मित्रों, हमारा शहर भाईचारा, सौहार्द, अपनायत और प्रेम, इसका ऐसा केंद्र हो, ऐसी पहचान रखता है। देश और प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जोधपुर को पहचाना और माना गया। लेकिन पिछले कुछ समय से राजस्थान में जिस तरह से सरकार के लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर के कारण से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए, और उसके साथ साथ में जिस तरह से सरकार के प्रशय से सामाजिक वैमनस्य को जिस तरह से बढ़ाया गया, भारतीय मूल के विषय और भारत की अस्मिता से जुड़े हुए विषयों की खिलाफत करने वाले लोगों को जिस तरह से राजनीतिक रूप से, सरकारी रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, उसकी तपिश हम सब के शहर जोधपुर तक भी पहुंची है। हम सब ने देखा, और इस बार तो मुझे लगता है कि पत्रकार मित्र भी हमारे साथ में विक्टिम्स की श्रृंखला में खड़े हैं। कल रात में, अभी 2 दिन पहले संपन्न हुए परशुराम जन्मोत्सव के बाद जिस तरह से जोधपुर शहर का हृदय स्थल जालोरी गेट विप्र बंधुओं के द्वारा भगवा ध्वज और साथ में परशुराम जयंती के बड़े बड़े होर्डिंग्स के साथ में हटा था, पुलिस के आग्रह पर और स्वयं प्रेरणा से कार्यकर्ताओं ने उन सब झंडों को उन्हें हटाया, उन होर्डिंग्स को हटाया, ताकि आज ईद के दिन किसी तरह का वैमनस्य का माहौल पैदा न हो। लेकिन रात को उसके बाद जिस तरह की घटनाएं हुई और उसके बाद जिस तरह से सुनियोजित रूप से स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति के ऊपर काला और हरा कपड़ा और टेप लपेट करके एक मजहब विशेष का झंडा वहां लगाया गया, बड़े बड़े लाउडस्पीकर्स रोड पर लगाए गए, कार्यकर्ताओं द्वारा उस झंडे को बाल मुकुंद जी की मूर्ति के अपमान न करने के चेतावनी देने और उसे हटाने का आग्रह करने पर उनके साथ जिस तरह से मारपीट की गई, मारपीट के बाद में एक राय होकर के जिस तरह से वहां हमला किया गया, पुलिस चौकी पर पथराव करके पुलिस चौकी को तोड़ा गया, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। लेकिन जब पुलिस वहां पर बड़े जाप्ते के साथ में पहुंची, तो बजाय उपद्रवियों को खदेड़ने के, पहले पुलिस ने ऐसे लोग जो पीड़ित थे उन्हीं पीड़ितों के ऊपर लाठीचार्ज किया, और उस लाठीचार्ज में कई पत्रकार मित्रों को भी चोटें लेना पड़ा। पुलिस के अधिकारियों ने बिना देखे सोचे समझे पत्रकारों को और अन्य लोग जो वहां मौजूद थे, जो इस तरह की घटना का प्रतिक्रिया करने, प्रतिकार करने के लिए, घटना को रोकने के लिए वहां एकत्रित हुए थे, उन सब के ऊपर ये लांछन लगाते हुए कि ये शराब के नशे में धुत हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बेवजह पीटा गया, पथराव निरंतर हो रहा था, और उस पथराव के कारण से बहुत सारे लोग चोटिल भी हुए। जैसा अभी माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा, एक ही तरह के पत्थर जो, या शायद किसी योजनाबद्ध तरीके से, और ऐसा मैं इसलिए कह पाता हूं क्योंकि अभी पिछले दिनों में जिस तरह से प्रदेश में करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है, और जिस तरह से सुनियोजित रूप से छतों पर से पत्थर जो पहले से एकत्रित किए थे वो पत्थर बरसाए गए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी, और जो है पथराव हुआ। रात भर पुलिस प्रशासन के साथ में बातचीत और वार्ता का दौर चला, और वार्ता के बाद में ईद की नमाज शांति के साथ में हो, आदरणीय सूर्यकांता जी इतनी वय होते हुए भी सारी रात वहां बैठी थी, और बैठ करके उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ में लोगों को समझाइश करके और उसे जो है मार्ग निकाला। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि सुबह ईद की नमाज के समय में ऐसा क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा, क्यों लोगों को और किस तरह से उकसाया गया कि वहां से एक राय होकर के निकलने के बाद में जे शहर भर में इस तरह के हुड़दंग, तोड़फोड़,
गाड़ियों को तोड़ के साथ तोड़फोड़, घरों में घुस करके लोगों के साथ में मारपीट, महिलाओं का अपमान, छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ करके उनके पांव तोड़ देना, दुकान में बैठे लोगों का दुकान में घुस करके तलवारों को लेकर के जा करके सिर फोड़ देना, इस तरह की घटनाएं शहर भर में हुई। रास्ते में खड़ी हुई गाड़ियों के कांच तोड़े गए, घरों पर पत्थर फेंके गए, दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए, लेकिन पुलिस और प्रशासन मौन बना हुआ मूक दर्शक की तरह देख रहा था। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि प्रशासन जब रात में इतनी बड़ी घटना हुई और इतनी बड़ी घटना होने के बाद में इस बात का अंदेशा था कि एक सकरात में एक जगह इकट्ठे हुए 25-30 हज़ार लोग जो है वो किसी तरह की प्रतिक्रिया कर सकते हैं या किसी तरह की घटना को, बुरी घटना को अंजाम दे सकते हैं, और समाज कंटक एकत्रित होकर के जो है किसी तरह का उपद्रव या बवाल कर सकते हैं, पुलिस और प्रशासन ने इसको पहले से तैयारी क्यों नहीं की? यदि तैयारी थी तो क्या दबाव था कि उसके चलते पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए का पहले से जो है योजना नहीं बनाई और पुलिस जाब्ते का डिप्लॉयमेंट नहीं किया? इसके बाद में सरे राह चलते हुए गांछा बाजार के एक युवक के पीठ में मोटरसाइकिल पर पीछे चलते हुए छुरा भोंक दिया गया, वो आज ऑपरेशन करके छुरा निकाला गया है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में अभी 3 घंटे बाद में उसकी सर्जरी, जब हम सब लोग हॉस्पिटल पहुंचे उसके बाद में शुरू हुई, छुरा निकाला गया। वो अपने जीवन और मृत्यु के साथ में संघर्ष कर रहा है, भगवान उसको शीघ्र स्वास्थ्य दे जो और लंबी वय दे, इसकी प्रार्थना करने के साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का तांडव जोधपुर में हुआ है, जोधपुर में कभी इस तरह की परंपराएं नहीं रही है, लेकिन सरकार के बेजा हस्तक्षेप के कारण, दबाव के कारण से राजस्थान भर में जिस तरह का क्रम इस तरह की घटनाओं का चल रहा है, उनके चलते उन्हीं उसी के मार्ग पर जोधपुर भी आगे चला है। हमने जितने लोग हम यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय मेयर साहिबा वनीता जी, आदरणीय सूर्यकांता जी, आदरणीय अतुल जी, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, जिले के पदाधिकारी, हम सब लोग कमोबेश सभी स्थानों पर गए, लोगों के साथ में समझाइश की। जब हम सुनारों का बास में पहुंचे, सुनारों का बास में जैसा मैंने उल्लेख किया कि घरों में घुस करके लोगों के साथ में अत्याचार हुआ था, उनके सिर फोड़ दिए गए थे, उनकी महिलाओं के साथ में अपमानजनक व्यवहार किया गया था, तेजाब की बोतलें फेंकी गई थी, मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश पत्थर मार मार करके की गई थी, मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लोगों के घर में जाकर के तलवार से हमला किया गया था, दुकान पर बैठे हुए लोगों के साथ में मारपीट की थी, लेकिन उसके बाद में भी ऐसा सब करने वाले एक राय होकर के चौक में एकत्रित होकर के मजहब विशेष के नारे लगाते हैं, और पुलिस फिर भी खड़े होकर के उनको खदेड़ने के बजाय उनके उनको रोक करके वहां खड़ी थी। निश्चित रूप से ये प्रश्न इस बात का खड़ा करता है कि पुलिस और प्रशासन किसी न किसी जो है अदृश्य दबाव के तहत इसमें काम कर रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि जब इतनी दर्दनाक स्थिति मुख्यमंत्री के गृह जिले में हो रही थी, तब मुख्यमंत्री रात को 12 बजे से लेकर के आज दिन में 3 बजे तक, जब उन्होंने एक ट्वीट करके फौरी तौर पर यह कहा कि मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग शांति सौहार्द बनाए रखें, उससे पहले न तो इस तरह की कोई अपील जारी करते हैं, और 3 बजे के बाद में वो दूसरा ट्वीट करके लोगों से ये आग्रह करते हैं कि अभी मुझे कृपया, मैं व्यस्त हूं इसलिए जो है गुलदस्ते न लेकर के आए। तो अंग्रेजी में जो कहावत है कि नीरो फिडल्ड व्हेन रोम वाज बर्निंग, तो जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, उनका अपना शहर जल रहा था, उनके अपने शहर में दंगा चल रहा था, उनके अपने शहर में जो शहर की आत्मा शांति भाईचारा और सौहार्द है उसको फूका जा रहा था, और वो जन्मदिन के गुलदस्ते लेने में, जन्मदिन की खुशबू जो है शुभकामनाएं लेने में व्यस्त थे। ये निश्चित रूप से साधारण विषय नहीं है। और साथ ही साथ में आज में जब प्रशासन से हम लोगों ने चर्चा की तो प्रशासन ने कहा कि दंगा हो रहा था, और कांग्रेस पार्टी के लोग जयपुर में बैठ करके मुख्यमंत्री जी ने जो राग पिछले दिनों में अलापा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग दंगा करते। मैं पूछना चाहता हूं कि सुबह जितनी घटनाएं हुई, जो भी घटनाएं सुबह हुई, गिनती उनकी 15-20 जगह पर जिस तरह की घटनाएं हुई, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता था? क्या वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भी स्वयंसेवक उपस्थित था?
केवल अनर्गल, और क्या वहां दंगा करने के लिए कोई दूसरा पक्ष पथराव कर रहा था? एक तरफा कार्रवाई की गई है, एक तरफा जो है इस तरह का उपद्रव बवाल मचाया गया, पुलिस एफआईआर लेने तक से कतरा रही थी। अभी जब प्रशासन पर दबाव पड़ा है तब जाकर के पुलिस ने एफआईआर स्वीकार करना तय किया है। हमने कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को साथ बिठा करके चेतावनी दी है कि यदि इस विषय में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं, हम सब लोग मिलकर के जालोरी गेट पर धरना देंगे, हजारों की संख्या में लोगों के साथ में बैठेंगे और वहां बैठ करके प्रशासन को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि प्रशासन जोधपुर की शांति और भाईचारे को बिगाड़ने वाले ऐसे सारे असामाजिक तत्वों को के खिलाफ कार्रवाई करे।